हेलो प्रिंसेस गीता। हेलो प्रिंसेस कशिशन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सो फ्रेंड्स, आज फिर वीडियो में मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, बिकॉज इट्स यू नो नॉट इजी टू शूट व्हेन यू हैव किड्स अराउंड एंड यू नो उनकी वेकेशन चल रही हो। सो एक्चुअली मुझे आज कोई डीआईवाई वीडियो नहीं करना है, ना तो कुछ स्पेशल वीडियो बनाना है, बस आज एक मिनी नायका हॉल आपके साथ मुझे शेयर करना है। इनका समर सीजन का सेल चालू था और यही मैंने ग्रैब किया। मैंने मोस्टली वही प्रोडक्ट्स पिक किए हैं जिसमें 40% या 30% तक सेल चल रही थी। तो मुझे कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ही आया था और इसके साथ एज यूजुअल जो ऑनलाइन स्टोर में जो पैक इनवॉइस आता है वो है मेरे पास, और इसमें मैंने रेट्स लिखे हैं जो मुझे मतलब मुझे जितने में पड़ा है और जो एक्चुअल में प्रोडक्ट का प्राइस है वो मैं आपको शेयर करूंगी। और इसमें मेरी असिस्टेंट जो है वो मेरी कशिश है, तो सारे सर्चेस मैं इनके ऊपर करके दिखाऊंगी। जो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट बाय किया है वो है नायका रॉक द लाइन काजल का। इसका एक्चुअल कॉस्ट है 199, बट ये मुझे 149 का पड़ा था। तो बहुत अच्छी डील चल रही थी तो आई थॉट कि इसका ग्रैब होना चाहिए। मुझे नायका का ट्राई भी करना था कि इनके काजल्स कैसे होते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली पैकेजिंग पहले ही खोल दी थी, बट आपको दिखाने के लिए मैंने ये रखा था। तो काफी छोटी पेंसिल है, इसे आप एज अ काजल या एज अ आईलाइनर लगा सकते हो। काफी ट्रैवल फ्रेंडली है और सबसे अच्छी बात है कि ये रिट्रैक्टेबल है। इसको आपको शार्पन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरीडे बेसिस पर से यूज कर सकते हो। मैं आपको इसके स्वेचेस करके दिखा दूं। ऑफकोर्स मेरी बेटी मुझे असिस्ट कर रही है, तो देखिए ये हम ये तो नहीं कह सकते, आप देख सकते हैं कि ये जेट ब्लैक है, बट हाँ लाइक नॉर्मल हल्का सा ब्लैक है, बहुत ज्यादा नहीं है। और मैंने इसे यूज भी किया है लाइक एवरीडे बेसिस के लिए, ये परफेक्ट है। तो जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने बाय किया है वो ये है, ये एक्चुअली मेबलिन की आईब्रो पेंसिल है। इसका एक्चुअल कॉस्ट है 199, ये मुझे 140 के पड़ी थी। और लाइक आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक्चुअली पैकेजिंग मतलब पूरा ये अभी तक खोला नहीं है। ये एक्चुअली क्रीम पेंसिल है और ये तो मैंने ओपन नहीं किया, बस मतलब इसकी पैकेजिंग अभी तक हटाई नहीं क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। इसकी इट कम्स इन दिस टू कलर्स, वन इज ब्लैक एंड अदर वन इज ब्राउन। और इसके पीछे सब इंग्रेडिएंट्स मेंशन है इसकी पैकेजिंग पे, और जब आप इसे खोलोगे तो ये लाइक ओके ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज्यादा लूज नहीं है, तो ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसे कैरी कर सकते हो। मैं आपको इसका स्वेच करके दिखा देती हूँ। ये काफी लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन नहीं है। देखिए इसको मल्टीपल स्वाइप करना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका जो पिगमेंटेशन है ओके है, क्योंकि एक्चुअली ये लाइट तो बहुत ज्यादा जिसकी डार्क आईब्रोज है उनके लिए सही नहीं है। मैंने आईज पे इनको वेयर किया हुआ है फिलहाल, तो ओके काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। आगे जाके पता चलेगा कि ये एक्चुअली में कैसा काम करता है। तो जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय किया है वो है एक्चुअली मैं मेरे लिए नहीं है, इट इज फॉर माय डॉटर। इसको बहुत पसंद है, हिमालय की लिप बाम है, इसके लिए बहुत काम करती है, इसे मोस्टली यू नो होट बहुत शेप्ड रहते हैं, तो उसके लिए ये काफी अच्छी थी। तो ये मेरा एक्चुअली मैंने इसको नायका से पहले भी इसको ऑर्डर किया। मैं जब भी नायका से कभी कोई सामान लेती हूँ तो मेरी जो लिस्ट होती है उसमें ये जरूर होती है, और इस टाइम भी यही थी। इसका एक्चुअल में प्राइस है 30, मुझे मिली थी ये 23 नायका से। तो जो नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट बाय किया है वो है ये एसेंस का लॉन्ग लास्टिंग काजल आईलाइनर, और ये काफी अच्छा आईलाइनर है, एवरीडे बेसिस के लिए काफी अच्छा आईलाइनर है। इसका एक्चुअल में कॉस्ट है 249, लेकिन इसमें मुझे ऑफ 40% ऑफ मिल रहा था इसलिए मैंने इसे बाय किया है। काफी अच्छा काजल पेंसिल है, एज पर प्राइस वो उसी तरह से काम करती है। हाँ थोड़ी स्मज होती है, और इसका रिव्यू मैं अपकमिंग वीडियोस में जरूर दिखाऊंगी। और अगर आप इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये लाइक लॉन्ग स्लीक है, अपनी नॉर्मल काजल पेंसिल की तरह बहुत ज्यादा फैंसी पैकेजिंग नहीं है। और एसेंस एक जर्मन बेस्ड कंपनी है और काफी लंबा चल जाता है, बेटर देन मेबलिन कोलोजल या फिर लैक्मे का आइकॉनिक है, उससे बहुत अच्छा है ये। तो मैं आपको उसको स्वेच करके बता देती हूँ। ये देखिए ये जेट ब्लैक है और आप इसको एज अ काजल आईलाइनर दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें ना डिफरेंट शेड्स आते हैं, आई थिंक
7-8 शेड्स हैं इसमें। मुझे एक्चुअली दूसरे कलर्स चाहिए थे लेकिन मैंने गलती से ब्लैक ले लिया था, बट हाँ एनीवेज काम तो ये वैसे भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो आई डोंट रिग्रेट बाइंग दिस कलर। तो जो मैंने नेक्स्ट शॉपिंग की है वो लाइक मेरा फेवरेट है, जिसके लिए मतलब मैं ना पागल हो गई हूँ बोल सकते हैं, मैं ऑब्सेस्ड हूँ इस चीज के लिए, वो है एज यूजल आई शेडोज। तो आप देख सकते हैं ये एसेंस का आई शेडो, इतना छोटा होता है ये और ये बहुत ही प्यारा था। इस पर 40% ऑफ चल रहा था, इसका एक्चुअली में कॉस्ट कुछ 399 रुपीज है, बट इस पे भी 40% ऑफ चल रहा था, तो ये मुझे कुछ 230 का पड़ा है। इसके ऊपर मैं अलग से रिव्यू करूंगी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसका पैकेजिंग बहुत जबरदस्त इसकी पैकेजिंग है, बहुत आसानी से खुलता नहीं है, तो ट्रेवल फ्रेंडली है। और आप इसके कलर्स देख सकते हैं, काफी वाइब्रेंट कलर्स हैं, लाइक ये वाइट तो नहीं है, आई थिंक स्क्रीन पे आई डोंट नो वाइट दिख रहा है कैसा था, क्रीम काइंड ऑफ शेड है ये, देन शैम्पेन कलर, पिंक, देन बट ऑब्वियस दिस ब्लू कलर एंड दिस येलो कलर, इट्स काइंड ऑफ लाइक गोल्डन कलर है। मैं फिलहाल इसके कुछ स्वाइच बता देती हूँ आपको और इसका रिव्यू मैं अपकमिंग वीडियो में करूंगी। देखिए इसकी पिगमेंटेशन बहुत ऑसम है, तो मैं इसके नेक्स्ट कलर्स के स्वाइच बताऊंगी आपको, ये भी काफी अच्छे कलर्स हैं और देखिए इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। हाँ बट सब बोलना स्किन कलर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं स्किन कलर है ना वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि स्किन के जैसा कलर है। तो ये अच्छा पैलेट है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और अभी भी आई थिंक इस पे सेल चल रही होगी, तो आई थिंक यू शुड गो एंड ग्रैब इट बिकॉज इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और इसके फॉलोअर्स नहीं है। मैंने अभी तक इसको एक ही बार यूज किया है, तो लेट्स सी आगे भी देख के कि कैसा है, तभी मैं इसके ऊपर आपको रिव्यू करूंगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मिनी नायका हॉल और मैं मोस्टली नायका पे डिस्काउंट देखती हूँ, अगर डिस्काउंट होगा तो झट करके शॉपिंग कर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मिनी नायका हॉल और आप भी अगर मेरे जैसे हैं कि जिसको डिस्काउंट की चीज़ें पसंद है बट उसको ब्रांडेड चीज़ें खरीदनी है तो आप नायका से ले सकते हैं। नायका से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और आप भी खरीदेंगे तो आपका भी अच्छा रहेगा। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना तो मुझे नायका से पैसे ऐसे मिले हैं, बस एक मिनी नायका हॉल था मुझे आपसे शेयर करना था। और एक और बात बताऊंगी कि ये जो मेरा टोटल बिल है डिस्काउंट मैं डिस्काउंट का नहीं बता रही हूँ, अगर मैं इसको विदाउट डिस्काउंटेड खरीदती तो मुझे ये पड़ता 1079, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे पड़ा है सिर्फ 638 का। तो ये बहुत काफी अच्छा अमाउंट है, ये भी 1000 की चीज अगर आपको 600 में मिल रही है तो आई थिंक आपको ये ऑफर्स ग्रैब करने चाहिए अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी डेट आसपास होगी या फिर कुछ कुछ तो लोचा होगा इसलिए इतने सारे डिस्काउंट रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक्सपायरी डेट का लोचा है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है तभी आपको वो लोग देते हैं, 6-7 महीने ज्यादा से ज्यादा ऊपर हो जाते हैं तब आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं, फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं होते। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास दिक्कत आनी चाहिए क्योंकि एनीवेज वो प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट्स होती है वो जो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है वो 3-2 साल तक तो रहती है, तो अगर आप मेरे जैसे मेकअप जंकी है तो वो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो शॉपिंग में कोई खराब बात नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग अगर डिस्काउंट्स चल रहे हैं तो मोस्टली आपको लेना चाहिए। तो ये था मेरा मिनी नायका हॉल, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इन फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा मिनी नायका हॉल का वीडियो जो है पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब करें। हाँ हमें सब्सक्राइब करें। See you later, guys. Bye. Bye. Bye.